मगर बड़ी बहू ने कटहल क्यों नहीं काटा? बड़ी भाभी को कटहल काटने से मैंने रोका है। तुमने मना किया है? जी हाँ, मैंने मना किया है। उस दिन जब मैंने आपको बोला कि मुझे कटहल काटना नहीं आता, तो आप लाल पीली होकर बोली, क्या मुझे मेरे घर वालों ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सिखाया है, कटहल काटना नहीं सिखाया? आज मैं आपसे पूछती हूँ माँ जी, क्या सिखाया आपने अपनी बेटी को? सिर्फ झगड़ा करना? सुन लो माँ, सुन लो। तुम सुनो श्रीमती मोहिनी जी, अगर तुम्हें अपने देवर को कटहल खिलाने का इतना ही शौक है, तो अपनी माँ से कहो कि तुम्हें कटहल काटना सिखा दे। और अगर तुम्हारी माँ भी न जानती हो तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कटहल साफ करना और काटना ऐसा सिखा दूंगी कि जिंदगी में दोबारा काटने का नाम नहीं लोगी, समझी मोहिनी जी? और फिर लड़की का असली घर उसके पति का होता है, बाप का नहीं। ये रिवाज किसने बनाया बाबूजी, कि लड़की का असली घर उसके पति का होता है, बाप का नहीं? हमारा ये मतलब नहीं है माँ, बेटी। लड़की पराई क्यों होती है? अगर किसी भी वजह से उसे अपना ससुराल छोड़ना पड़े तो कौन है उसका? क्या वो खुदकुशी कर ले? इसके लिए कोई रिवाज नहीं बना है माँ। बेटी, शादी में घर से लड़की की डोली उड़ती है या अर्थी, बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है या क्रिया करो। बस कर बेटी, बस कर।